हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो हमारी अल्ट्रोज गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी आई है हमारे पास, ये अल्ट्रोज, और इस तरीके से गाड़ी के ऊपर बहुत सारे निशान हैं जैसे देख पा रहे हो। तो इस गाड़ी की, पूरी गाड़ी की हम रबिंग करेंगे और ये सारे स्क्रेचेस हम इसके ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मारना है गाड़ी के पूरे ऊपर रफ, और फिर लास्ट में हमें रबिंग मारने के बाद में, वॉशिंग करने के बाद, यहाँ पे जितने भी ये पेंट के स्क्रेचेस वगैरह के जो नॉल निशान हैं, इन पे हमें टचिंग करनी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे निशान हैं तो टचिंग होने लायक नहीं है। पेंट के लायक ही है ये, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि भाई मैं पेंट का बजट नहीं है मेरा, मेरी खाली टचिंग कर देना रबिंग करने के बाद। तो इस तरीके से ये सारे निशान हमें कवर करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना है इसके पूरी गाड़ी के ऊपर रफ, जो कि 1000 नंबर के रेगमाल से पूरी गाड़ी के ऊपर रफ लगेगा, और उसके बाद इस पे रबिंग पॉलिशिंग का काम स्टार्ट होएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी रफ हमारी गाड़ी पर लगना स्टार्ट हो चुका है। रफ लग चुका है जैसे देख पा रहे हो, स्क्रेचेस खत्म हो चुके हैं, जितने भी पेंट के ऊपर थे जो पेंट के अंदर चले गए हैं वो टचिंग के अंदर कवर हो गए। इसी तरीके से आपने रफ लगाया है। रबिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, मशीन चल रही है बॉडी के ऊपर, और जैसे देख पा रहे हो नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर शाइनिंग आ रही है। पेंट के अंदर जो भी खड़ा हुआ है सब कुछ इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे मैं भी खड़ा हुआ हूँ, भी फूल दिखाई दे रहे होंगे मेरे वाले, तो ये भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं पेंट के अंदर। तो चलिए, पूरी गाड़ी की होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर किस तरीके की इसके अंदर फिनिशिंग आई है। बाकी दूसरी साइड अभी मैं घूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई भी शाइनिंग इसके अंदर नहीं है। अभी देख पा रहे हो बिल्कुल शाइनिंग आ रही है। तो चलिए, पूरी गाड़ी की यहाँ पे होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा अभी पूरी गाड़ी के अंदर यहाँ पे रबिंग का काम चल रहा है और शाइनिंग एक नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर आ रही है। तो चलिए फाइनल दिखाता हूँ मैं आपको वॉशिंग के बाद। तो चलिए लगाते हैं अभी गाड़ी को हम वॉशिंग पर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की इसके अंदर फिनिशिंग है। सो गाइज, पूरी गाड़ी यहाँ पर रबिंग और टचिंग हो चुकी है, जैसे देख पा रहे हो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम हो चुका है। नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर शाइनिंग आ रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे जो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, पेपर पड़ा हुआ है और यहाँ पे गाड़ी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर शाइनिंग आ चुकी है। तो ये रबिंग पॉलिशिंग ज़रूरी होती है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि गाड़ी धूप में भी खड़ी होती है, पॉल्यूशन में भी चलती है, धूल मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें पेंट के ऊपर चिपकती है, तो ये चीज़ें कराना हमारे लिए ज़रूरी होता है गाड़ी के ऊपर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊं, जैसे कि हम लगाते अपने चेहरे पर भी स्क्रब कराते हैं, जो कि हमें रबिंग के थ्रू निकालना होता है, जैसे कि हमने इस गाड़ी का निकाल दिया है अभी और चमक इसके अंदर आ चुकी है। तो ये ज़रूरी होता है, अगर आपकी भी गाड़ी का कलर अलग हो गया है, पीला पड़ गया है, या कुछ उसके अंदर कलर फेड हो चुका है, तो उसके अंदर शाइनिंग करा सकते हैं और इस तरीके की शाइनिंग आप पा सकते हैं। सो फाइनली गाइस, गाड़ी की पूरी तरीके से यहाँ पर रबिंग पॉलिशिंग हो चुकी है, और अभी गाड़ी को टाइम है डिलीवर करने का, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसके अंदर जो शाइनिंग है वो आ चुकी है और कस्टमर यहाँ पे खुश हो चुके हैं। तो चलिए, गाड़ी को करते हैं हम कस्टमर को डिलीवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी।